Redmi Note 13 Pro की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अपने वीडियो के लास्ट तक आज के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसका बैटरी बैकअप है, IP68 रेटिंग कितनी दी गई है इसमें, और आपको इसमें कितने वाट का चार्जर मिलता है, कैमरा कैसा है कैसा नहीं है, है ना, सब A to Z में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अपने वीडियो के लास्ट तक। तो अब हम इसके करने वाले हैं अनबॉक्स। रेडमी नोट 13 प्रो ये हमारा फ़ोन है, ये 5G में आता है। अब हमारे पढ़नी छूट चुकी है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ओपन कर लिया, इस बॉक्स को अभी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा सबसे पहले, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये कवर है रेडमी लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसा, यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे, ये हमारा बैक कवर दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है इसके, हम साइड में रख लेते हैं और कवर हम देख लेते हैं कैसा दिया है, कैसी क्वालिटी का दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है, जैसे डार्क ग्रे कलर में काफ़ी अच्छा दिया गया है, मोटरा चारों तरफ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी कवर की भी। तो इसको अभी हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और ये यहाँ पर जो हमें दिया गया है इसे हम अपनी सिम वगैरह निकाल सकते हैं, लगा भी सकते हैं ना। तो इसी को अब हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर फ़ोन, तो फ़ोन को हम अभी यहाँ पर रख लेते हैं, देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान मिला है यहाँ पर, इसको हम निकाल लेते हैं आराम से, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें चार्जर मिला है सबसे पहले, काफ़ी हैवी चार्जर है, यहाँ पर देखते हैं 67 वाट का चार्जर है ये, और काफ़ी अच्छा चार्जर दे सकते हैं आप। चार्जर कुछ आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ ऐसे देखने के लिए। तो इसको अभी हम रख लेते हैं साइड में, यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये हमारी डाटा केबल आ चुकी है, इसको डाटा केबल को भी हम निकाल लेते हैं, और ये हमें डाटा केबल भी टाइप सी दे सकते हैं, और इधर साइड USB दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी हुई डाटा केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल दी गई है। फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से कुछ ऐसा है, बैक साइड से आप कुछ ऐसा दे सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आप मैं इस फोन के बारे में फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ, कैमरे के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपने वीडियो के लास्ट तक। 3.5 mm का जहाँ पर आपको जैक मिल जाता है देखने के लिए, कोई स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, ये आपको नॉइज कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है, और ये आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और साइड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए बटन दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है। और नीचे देख लेते हैं हम, नीचे आपको स्पीकर दिए गए हैं यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग करने के लिए, यहाँ पर आपको सिम स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर आप 2 सिम भी लगा सकते हैं, और आप एक सिम और एक चिप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सिम लगा सकते हैं और दूसरी सिम यहाँ पर आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिख भी रहा है, यहाँ आप दूसरी सिम लगा सकते हैं ना, और एक सिम यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप एक चिप और एक सिम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसके कैमरे के बारे में बताऊँ, ये सेल्फी हमारी 16 MP की सेल्फी है यहाँ पर, और ये आपको जो मेन कैमरा मिलता है जो आपको 200 MP का मिल जाता है, और जो आपको जो नीचे वाला कैमरा जो 8 MP का, और ये वाला जो कैमरा है ये आपको 2 MP का है ना। तो ये तो हो गया आपके कैमरे का, जो फोटो कैच देता है आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, फोटो कुछ साफ सेल्फी से कुछ ऐसे फोटोज आए हैं, और बैक साइड से 200 MP से कुछ ऐसे फोटोज आए हैं, देख सकते हैं आप। वीडियो आप यहाँ पे 4K से रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप 4K तक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। हाँ, इसके आप वीडियो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। फोर के से वीडियो कुछ ऐसे रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी ग्लास मिल जाता है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स आपको मिल जाता है देखने के लिए, काफ़ी अच्छे ग्लास है, ये देख सकते हैं आप। 189 ग्राम इसका वेट दिया गया है ना, और डिस्प्ले इसकी है 6.67 इंच की इसकी डिस्प्ले है ना, 1.5K इसमें बिट्स दिए गए हैं, है ना, 68 बिलियन कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको। यहाँ पर आपको सिलिकॉन का कवर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं सिलिकॉन का कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कवर है ये, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा दी गई है। 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज में लेकर आया हूँ इसको मैं, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 चिपसेट आपको देखने मिल जाए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये वाला चिपसेट जो है। 5100 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है इसमें, आप देख रहे हैं इसमें आपको 67 वाट का चार्जर मिल जाता है देखने के लिए, इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है 14 मिल जाता है आपको, अपडेट के बाद मिलेगा 14 हाइपर OS मिल जाता है आपको देखने के लिए। इसमें आपको IP54 की रेटिंग मिल जाती है, हल्की फुल्की छींटे पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको पानी में नहीं डुबाना है। 120 रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाती है इस वाली स्क्रीन पर। दोस्तों इस फोन में जितने भी सेंसर वो सभी काम कर रहे हैं, बस इस वाले सेंसर को छोड़ के, जब आप कॉलिंग में बात करते तो कभी स्क्रीन बंद हो जाती है चालू हो जाती है, तो ये वाला सेंसर में कभी काम कर रहा कभी काम नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा इसमें वीक पॉइंट दिया गया है, और बाकी सभी सेंसर अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया मतलब फोन सेट वगैरह। ये डिस्प्ले पर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा दिया गया है ये,
और इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपने देखी होगी स्क्रीन पे, मैंने आपको फोटोज़ और वीडियो दिखाई हूँ, काफ़ी कैमरे क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। और जब मैं लेकर आया था ऑनलाइन तो 27,000 रुपये का मिल रहा था ये, इसको मैं ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा है। ये मेरा 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में, ये मेरा 24.5 का पड़ा था, डिस्काउंट वगैरह सब चीज़ कार्ड कोड कर। इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस फोन में आपको सबसे बड़ी चीज़ कौन सी लगी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लें प्रेस। तब तक के लिए और मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।